जैसा कि हम जानते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, ये देखकर कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनका नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कैसा है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है ग्रोथ फंड्स में, इनकम फंड्स में और बैलेंस फंड्स में। पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ओपन एंडेड फंड्स का मतलब होता है कि निवेशक जब चाहे फंड से निकल सकता है या घुस सकता है। ये NFO के बाद भी हो सकता है। NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। अगर कोई निवेशक ओपन एंड फंड से निकल जाता है तब भी वो फंड अपने बाकी निवेशकों के साथ फंड को चलाता है। इस स्कीम का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता जिसके बाद इसको बंद करना पड़ेगा। क्लोज एंडेड फंड्स का फिक्स्ड मैच्योरिटी होता है। निवेशक यूनिट्स खरीद सकते हैं सिर्फ NFO के दौरान। NFO के बाद इसका यूनिट्स को खरीदा और बेचा जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज पर। लिस्टिंग जरूरी होता है क्लोज एंडेड स्कीम्स के लिए और ट्रांजैक्शंस ब्रोकर के जरिए हो सकता है जिसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए। इंटरवल फंड्स, इनमें दोनों ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड होता है। ये ज्यादा करके क्लोज एंडेड रहता है और बीच बीच में खुलता है और ओपन एंडेड बन जाता है। इस एक उदाहरण के साथ समझते हैं। ये फंड हो सकता है 1 जनवरी से 15 जनवरी खुला रहे और उसके बाद 1 जुलाई से 15 जुलाई तक खुला रहे। निवेशक स्टॉक एक्सचेंज पे पूरा तरह से निर्भर नहीं रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर इसका सबसे कम ड्यूरेशन 15 दिनों का होता है। अगला कैटेगरी है कि फंड कैसे मैनेज हो रहा है, एक्टिवली या पैसिवली। एक्टिवली मैनेज फंड्स में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है चूज करने का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को। इसमें फंड मैनेजर का काफी रोल रहता है और इसलिए इसका खर्चा ज्यादा रहता है। पैसिव फंड वो हुआ जो अगर निफ्टी या सेंसेक्स को ट्रैक करता है तो उन्हीं के शेयर्स को खरीदता है और उसी मात्रा में खरीदता है जितना कि सेंसेक्स या निफ्टी में है। क्योंकि ये इंडेक्स से इतना मिलता जुलता है इसको इंडेक्स फंड्स भी कहते हैं। इसका पोर्टफोलियो इंडेक्स जैसा होता है तो फंड मैनेजर का उतना रोल नहीं रहता है और इसलिए इस स्कीम का खर्च कम आता है। इसका एक्सपेंस रेशियो इसलिए बहुत कम होता है। इसके साथ ही हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। तब तक के लिए धन्यवाद।